कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ी उषा शर्मा बनी मेयर, भाजपा की मीरा आनंद बनी डिप्टी मेयर। सोलन नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और दोनों अधिकृत प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। उषा शर्मा ने कांग्रेस के सरदार सिंह को हराया, उन्हें 11 वोट मिले जबकि सरदार सिंह को मात्र 6 ही वोट मिले। जबकि भाजपा से 6 बार जीत कर पार्षद बनी मीरा आनंद को 12 और कांग्रेस प्रत्याशी संगीता को 5 ही वोट मिले। जीतने के बाद उषा शर्मा ने कहा कि ये जीत सबकी है और विकास ही उनकी प्राथमिकता है। वहीं डिप्टी मेयर मीरा आनंद ने कहा कि ये सबकी जीत है और मिलजुल कर सभी काम करेंगे। हार के बाद सोलन के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री धरनी राम शांडिल ने कहा कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में ऐसा होता रहता है। उन्होंने अपनी तरफ से सबको मनाने का प्रयास किया लेकिन अब जो जीता है उसको वो मुबारकबाद देते हैं। उन्हें खुशी है कि मेयर कांग्रेस का बना है। मैडम को 12, आपको 12 मैडम को वोट मिले हैं और 5 संगीता जी को मिले हैं और उषा शर्मा जी को 11 वोट मिले हैं। महापौर के पद के ऊपर उषा शर्मा जी को 11 वोट मिले, सरदार सिंह ठाकुर जी को 6 मत मिले। मैडम किस तरह देख रहे हैं आप डिप्टी मेयर? पूनम ग्रोवर जी, डिप्टी महापौर राजीव जी, अभय शर्मा जी और समस्त पार्षद जिन्होंने कि मुझे वोट किया उनका धन्यवाद करूंगी। और ये एक जो हमारी जीत है ये कांग्रेस पार्टी की जीत है और सच्चाई की जीत है, अन्याय के प्रति सच्चाई की जीत है और हमने जीती है। और कहावत है कि किसी भी तरह जंग जीतो, तो जब मैदान में आएंगे तभी हम जंग जीत सकते हैं ना, तो इसलिए हम मैदान में आए और इस जंग को जीत लिया। आपके ऑपोजिशन में हम 2 थे, उसमें सरदार सिंह जी थे और 11 और 6 का स्कोर रहा। तो दोनों ही कांग्रेस के पार्षद मौजूद थे मेरे के लिए, तो आपसी सहमति नहीं थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, आपसी सहमति नहीं बन पाई अंदर? मैंने अपना हर पंच पे अपना दावेदारी पेश की थी और कहा था कि मैं, क्योंकि मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, मतलब मेयर बनने की। तो देखिए ना जी, महिलाएं वैसे भी महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा अन्याय नहीं होता, क्योंकि 30 साल से मैं संगठन में काम कर रही थी। आपको पता है कि जी हमारे जो लोकल विधायक हैं उनके साथ एक मंडली है जो उनका ब्रेन वॉश करते हैं और महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो मैं जब जंग में उतरी मैंने कहा अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और इसको हमने जीता है। प्राथमिकता क्या रहेगी जी आपकी? और मैंने सबसे विकास प्राथमिकता रहेगी। अब हम शहर का पूरा संपूर्ण, अभी तक मैं 12 नंबर की पार्षद थी लेकिन हम सब मिलके अपने शहर के लिए बढ़ चढ़ के काम करेंगे और जितना पॉसिबल हो सका उसको करेंगे। ठीक है मैम। देखिए पद हमें मिलते हैं लेकिन ये जो पद है ये सोलन शहर के लिए जो है, हमने सोलन की डेवलपमेंट करनी है। सुंदर सोलन शहर को जो एक पहले नारा दिया गया था, सुंदर सोलन स्वच्छ सोलन, उसके लिए कार्य करेंगे और मिलजुल कर जो है हम जल नगर निगम में सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे और सोलन को जो भी हम जो भी हम अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं वो हम सभी मिलजुल कर सोलन के लिए करेंगे। और कौन आपका डिप्टी मेयर के लिए था? और कौन उम्मीदवार था अपना डिप्टी मेयर के लिए? सिर्फ एक ही था, संगीता। संगीता सिंह। ये सर, ये जो भी लोकतंत्र की सुंदरता यही है और इसकी खूबी यही है कि इसमें जो भी दूसरे होते हैं जैसे मतदाता हैं उनका निर्णय जो है उसको सिरमाते रखा जाता है। उनका निर्णय था महापौर कांग्रेस के बने और उप महापौर भारतीय जनता पार्टी। नथिंग रॉन्ग। मेयर डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस ने किन किन लोगों का नाम दिया, कितने कितने मत पड़े उन्हें? अब ये तो ज्यादा मत का फर्क नहीं है, परंतु 3-4 मत का फर्क है। कांग्रेस बहुमत में थी, 3 मंत्री सोलन में थे, फिर भी बहुमत होने के बाद एक सीट भाजपा को चल गई है, किस तरह देख रहे हैं? क्या कमियां रह गई है सर इसमें? आपसी तालमेल नहीं था? नहीं, मंत्री पद ने तो अपना काम पूरा किया, सभी लोगों ने अपना काम पूरा किया। उनको कभी कभी आप समझते हैं कि लोकतंत्र में ऐसे डिफरेंसेस हो जाते हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें होनी चाहिए चीज नहीं। हिमाचल प्रदेश के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।